हमारा काम है विरोध करने का, सफलता तो हमें भगवान देगा और मोदी का सद्बुद्धि होगी तो यूँ सोच लेगा। हम तो विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। अच्छा, विरोध करने से काम? सुन, अब ये जो कल इतनी बड़ी निंदा हुई है, जो बिहार में हुई है, मारपीट करी है, उसकी इतनी बड़ी हम निंदा कर रहे हैं, वे विरोधी तो कर रहे हैं। मारपीट करना कोई सरकार के लिए अच्छे आदमी है? और यही जो नीतीश है, यही जेपी के आंदोलन में उसका वहा कार्यकर्ता रहा और इसने भी विरोध करे है, और आज यू अपने कार्यकाल में मारपीट करा रहा मार्शलों से, ये कोई अच्छी बात है? हम तो ऐसे कामों की निंदा करते हैं। रसोई हक की बात सुन ले, यहाँ भाई हमारा काम विरोध का है, सरकार को जता रहे हैं, भारत भी मंद करेंगे, छब्बीस हर काम करेंगे, रेल भी रोक ली, आगे जो हमारी हाई कमान आदेश करेगी वो भी करेंगे, भाई विरोध कर रहे हैं। विरोध करने से हो जाएगा कानून वापस? हर हालत में होगा, हर हालत में। फिर ना होगा तो 2022 का चुनाव आने को हो रहा है, योगी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, उनके नाम है इसे वोट ना देना। हमारे पे एक हथियार ऐसा बड़ा है, वोट की चोट सबसे बड़ी है, वोट की चोट। ताऊ जी, आप पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं, वहाँ किसके पक्ष में आप कर रहे हैं? देखो सुनिए, हमारा काम किसानों से ये कहना, ये सरकार निकम्मी है, ये हमारे काले कानून बना रही है, इस सरकार को हमें नहीं मानना है, तो अपने किसानों को समझा रहे हैं। वे जो हमारे किसान हैं, वे जिसे देंगे उनका उन्होंने जो दीख रही होगी, अगर हमारी किसानों की सरकार ममता है तो ममता को देंगे, कोई और होगी तो और को देंगे। हमारा तो किसानों से बता रहे हैं हम अपनी बात। अखमर दिल्ली सिंधु बॉर्डर और क्या नाम है उस पर टीकरी बॉर्डर पर हमारे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जो बीजेपी है उसके नुमाइंदे ये कहते हैं कि जो किसान है ना वो अब राजनीति करने लग गए। ऐसा मेरी बात सुनिए, बीजेपी का आदमी तुम्हें देखा, स्वतंत्र देव बिजनौर गया है, और जगह भी गया, काले झंडे दिखा रहे हैं, हर जगह उनका विरोध कर आवे तो सही, वे गांव में किसी में वे कह कैसे रहे हैं ऐसा कि ये किसान नहीं है, और गांव में आओ आओ तो सही। पश्चिम बंगाल में तो चुनाव लड़ने तो आप गांव है भाई, सुन सुन, पश्चिमी बंगाल में लड़ने के लिए तो यहाँ दिल्ली में भी तो लड़े हुए केजरीवाल के सामने, घर डोर टू डोर गए, घर टू घर गए, पैदल गए, अमित शाह राजनाथ ऐसे आदमी घर डोर टू डोर गए हैं, क्या वोट आई है? सरकार किसकी बनी है? सरकार केजरीवाल की बनी है? नहीं, पश्चिम बंगाल में किसान और किसान रैली कर रहे हैं वहाँ पर, तो चुनाव रैली तो वह फोक्स की कर रहे हैं, इनके याद भी जा बैठे होंगे, पता चल जाएगा दुबई में किसकी सरकार बनेगी। अगर बीजेपी की बनेगी तो क्या करोगे? ना बना बीजेपी की तेरसू, जब हम बने ही ना, यार कह रहा है बावड़े पड़े की बात कर रहा, बने ही ना। अगर बन गई तो ना बने, हम ना बने जब कह दई बंगाल का चुनाव नाक का सवाल क्यों? ए सुन ले, हम तो बड़ा बंगाल है, फिर यूपी है, हम यूपी में भी हरावेंगे, हर जगह आपको ये दिख गया। आप ये सुन लो मेरी बात बेटे, अकिस बीजेपी का, भाजपा का, आरएसएस का सब जगह विरोध है। आप कह रहे यूपी में हारेंगे, बेस्ट सीएम तो योगी जी बन रहे हैं, किंग ऑफ बेस्ट बन रहा है, इन्हें गन्ने का भुगतान ना दिवाया अभी तक, आज 21 महीने हो गए और इसी मुख्यमंत्री ने 4 साल हो गए 1 रुपया गन्ने पर ना बढ़ाया है। तो कह रहे 4 साल बेमिसाल, अभी प्रोग्राम भाई जैसे वो अपने घर तो कुछ ही कह ले, हमारे सामने है कहाँ कह रहा है बेमिसाल है कि अमिसाल है, हम मान ले नहीं बात, कोई रुपया गन्ने में बढ़ाया उसने, ऐसी निकम्मी सरकार को हम आगे आने वाले समय में नहीं आने देंगे। छपरा है वो किसी को दे रहा है, वो तो ये जो दे रहा है नरेंद्र मोदी केवल एक किसी को दे नहीं रहे हैं, कहीं यूपी में जो घर इतने गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए वो तो दिए ना, एक भी घर ना बनाया किसी गरीब का भी, उसने ना बनाया एक तो कागजों में करे बिलों में बनाया नहीं, 4 साल बेमिसाल में, जब उसने कुछ कराई ना लाली, तुम्हारी बात मान जाओ, उसने बेटी कुछ भी ना करा, खुशहाल है हमारे यूपी के। देख भाई सुन, खुशहाल ऐसे हैं सुन ले, 21 महीने तो गन्ने का भुगतान ना हुआ और 4 साल में कोई रुपया गन्ने का ना बढ़ाया, अब तू इसे खुशहाल मान ले या हमें दुखी मान ले। लेकिन ताऊ जी, मोदी और योगी बड़े प्रचार कर रहे हैं दिल्ली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वो तो पब्लिक का पैसा है, वो तो लोगों को बता रहे हैं बाकायदा कि हम। अरे भाई सुन ले, वो ना कर रहा तंसा भी प्रचार, जो झूठा नोबेल पुरस्कार दो झूठे का तो दे दो हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी ने, यू बोलता झूठ, इसके जैसे झूठ कोई आदमी आदमी नहीं बोलता, इसे को कौन कह रहा है हम नोबेल पुरस्कार, हम तो जानते भी ना सबसे बड़ा हो, अगर झूठ बोलने का दो ना, झूठ का तो झूठ का नरेंद्र मोदी,
यू सिवा झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलता बेटे। बंगाल में रोजगार दे रहे हैं महिला, कुछ भी ना दे रहा बंगाल में, उधर नौटंकी कर रहा, दिल्ली भी तो देवा के नाम है रोजगार, और पूरे हिंदुस्तान में देवा, हमारे किसान की फसल का वाजिब मूल दे दो, हमारे किसान के धान के 1868 ही मांग रहे वे दे दो, हमें कोई दिक्कत, हम क्यों पड़े रहेंगे यहाँ, हमारा कोई बावड़े कुत्ते ने काट खाया। अमित शाह कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनी तो सीए लागू कर देंगे। ऐसा है अमित शाह का तो देखो नाम मत ना ले, वो तो पागल आदमी है, उसका पागल कुत्ते ने काट का, हम ऐसे आदमी की बात ना करते हैं ना हम ऐसे से बात करना पसंद करते। तो गृह मंत्री बात हो रहा, जैसा गृह मंत्री होने दे, हमारा केक रहेगा गृह मंत्री, हमें कोई अपराध कर रखे हैं गृह मंत्री कर रखे, तो अमित शाह ने गुजरात में इतने अपराध कर रखे, अब उसका केस डायरी में इतने नाम है, अब बेलिमिट है, हम पे ना एक भी मुकदमा। अच्छा 70 साल की उम्र में एक मुकदमा नहीं है। जो किसान है वो भी परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्या सरकार को डर नहीं लगता कि इनका वोट बैंक हमसे दूर हो जाएगा? ऐसा है भाई, यही तो कह रहा हूँ, आज की तारीख में किसान मजदूर महिला और तुम्हारे युवा और तुम्हारे जो ठेली पटड़ी पे जो सब्जी और फल बेच रहे हैं और जो छोटे व्यापारी है किराना है, सब इस निकम्मी सरकार से सब परेशान है, इस निकम में सब परेशान है। तो वोट कौन दे रहा फिर? अरे आप ना दे वे तू कि ये दूजू करा, वोट कौन दे रहा, ये तू बावड़े पड़े की बात हर बेरी करे जा, अब ना दे वे हम बिल्कुल भी ए भाई जैसे हमारे हमने दे दिए हमारे बाल कर दे, हमने सोची अब तू यू जो यू टेलीविजन सा ले रहा यू अच्छा काम करा, जब तू गलत करेगा हमारी खबर सही ना देगा हम तुझे ना देने के, जैसे वे मोदी सोदी के कौन है वे बुढ़िया कोई वोट नहीं देगा भाई बंगाल में, तो बीजेपी वाले बोल रहे। देख भाई लाली सुन मेरी बात, ए लाली 70 साल की उम्र है मेरी बेटी, और मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल करता, ये जो टेलीविजन है इसे तो मैं देखता ना हूँ कभी भी, कोई बालक वो दिखाए कर मेरे आगे, देखो मेरा तो फोन है वैसा, इस पर तो कुछ ना आता, तो उस रुक का सदे मैं कहा मुझे भी दिखाइयो, उसमें आया कर एक दिन, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, आज सूरज मेरे सामने है, एक मीडिया मैं नहीं कह सकता हूँ कौन सा हा, वो कम से कम 10 गांव में गया, 10 गांव में ईमानदार, और उसमें गया हा जिसू या ममता बनर्जी, और वो कौन है शंभु अधिकारी खड़े नंदीग्राम, ईमानदारी की बात बताऊँ तुम मम पे विश्वास करियो भाई, एक भी आदमी ने कसम खा रहा हूँ हाँ सूरज महीने में एक ने यू नहीं की मोदी को चावे, सब ने कोई तो कहवा दीदी, कोई कहवा ममता, फिर उसमें पत्रकार बुझे के फायदा करा न्यू करोना में 4 किलो में दिए चावल, कोई न्यू कहा कुछ दिया भाई, ईमानदारी की बात है वहाँ 5 किलो दिए हैं, अरे बस पहले मेरी बात तो सुन ले, मैं तू तो अपनी मोदी 20 किलो भी दे, वो झूठा है निकम्मा है, उसकी हम बात ना सुनते, तो भाई जितना ना बात करी ना वहाँ बढ़ाई, वो मैंने उसमें देखी उसमें 4 महीने से झूठे हो गए प्रधानमंत्री, पहले तो बड़े अच्छे लगे, अरे वो तो पहले से झूठा, जब मैंने अभी कहा देश का नोबेल पुरस्कार अगर दो तो झूठ के मामले में किसे दोगे, नरेंद्र मोदी को, झूठ का जो योगी मोदी जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में असम में उड़ीसा में तो वो वहाँ कहते हैं कि हम हर आदमी को नौकरी देंगे एक परिवार में, भाई झूठ बोल रहे हैं, एक को नहीं दिया, अगर एक युवा को भी दे देते एक को भी दे देते हमारा आत्मा को, और बल्कि एक चीज बेड़ा गरा कर रहे हैं ये रेल भी और बैंक भी, देखो रेल भी और बैंक भी सारी चीज हवाई जहाज भी ये सब और प्राइवेट में बेच रहे, यू काम और अजनबा कर रहे हैं, योगी जी जा रहे पश्चिम बंगाल का, जैसा योगी जी जा रहा जान दे जा तो सब जगह सके, उस पर तो किरावा हैगा, वो तो हवाई जहाज में बैठ कर सब जगह जा, पर यूपी मॉडल देंगे बड़ी बात तो, पूरा यूपी का के मॉडल दे रहा, उनने तुम्हारा नाश कर दिया, 21 महीने अगर थारी तनख्वाह ना मिले इस पत्रकारिता में, थारा जो जिसकी कंपनी ना देवे क्या तुम इसमें काम कर लोगे, मारी एक हिम्मत देख, नाश करना कहेंगे पश्चिम बंगाल में, नाश करेंगे नाश, और तुझे और बता दूं 2022 में यू वहां जाएगा वो के है गोरखपुर में मठ, उस मठ में जाकर बैठेगा, और इसे हम यूपी बना रहे हैं, और जितनी हत्या जितने रेप और जितने गलत काम इस निकम्मी सरकार में हो रहे इनने तो सब पे पानी फेर दिया यूपी, उन्हें देखे हमने तो आज तक भी ना कही, अगर तू मेरा एक सबूत दे दे, नहीं आप जैसे लोग मतलब, और जैसे एक पहला अब जैसे ये तो तू फिर वही कह देगा जो वो कह रहा, जब तेने कही आपके हमने नहीं कही, मैं और बता दूं कल मोदी नगर में भोजपुर जाते सीएम योगी, और सुन तो ले भोजपुर बिलो का वहाँ प्रमुख और विधायक गए, वह गोष्ठी ही जाते किसान जो है वहाँ सूट के चल दिए,
और आखिर में वे उल्टे चले गए निकल कर। हमारी बात सुन ले, अब ये बिगुल बज चुका है, किसी गांव में भी भाजपा का कार्यकर्ता चाहे रिश्तेदार हो झंडा लगा कर नहीं जाएगा। मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। बीजेपी वाले ऐसे ही सारे नेता ऐसे ही हूँ मैं भाई, मेरी बात तो सुन ले। बीजेपी के सारे जो का वे जो इनके वे है ना वे छोटे चमचे, चमचे हम तो उन्हें कहेंगे चमचे या चमची, वे भी अब गांव में ना जाएंगे। बस और तू के कह रहे हैं आरएसएस वाले तो जा रहे हैं, आरएसएस का तो नाश ही कर रहा है, देश का भंडा फोड़ तो नाश सारा आरएसएस ने कर दिया। ये आरएसएस वे है मेरे बेटे, मैंने कई बार बताई, आज फिर सुन ले। 1945 में जब अंग्रेज भगाए है, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे और हिंदुस्तान के वे है दलाल, और ये 121 आदमी है, इन्होंने हिंदुस्तान की इतनी दलाली करी ही। अकी ये तो महात्मा गांधी, आजाद चंद्रशेखर तो राष्ट्रहित में काम करते आ रहे हैं। कौन ये? अरे बावड़े पने की बात, इनकी 64 रुपए महीना की, जैसे अंग्रेज आज जा रहे हैं ना रात ना, आज जाएंगे 12 बजे, तो 2 दिन पहले इनकी 64 रुपए महीने की पेंशन बांध के गए। और वे आरएसएस है, आज जितने भी आरएसएस के आदमी है दल्ले हैं, दलाल हैं। और बताऊँ, ये जो अयोध्या में मंदिर बना रहे ना, अगर इनका हिसाब लेगा किसानों की सरकार समय पर आ गई तो ये सारे जेल जावेंगे। इतना फंडिंग इन आदमी ने कर दिया बेईमानों ने, फंडिंग। पता एक बात बताओ, क्या चांदी या सोना मेरे यार जमीन में थोड़ा दब बिक रहे हैं? तुम ही बताओ। अरे ये तो वाह है, क्या नाम है, करेंसी है, इसे जमीन में क्यों दबेगा? किसी भैया का गुजारा हो जा, किसी बेटी की शादी हो जा, वहाँ लगाओ। चंदा तो आप लोग दे रहे हो, हमने ना दिया, उसे भी वही दे रहे अडानी और अंबानी, हमने ना दिया ना हम दे। हमारा तो गुजर, अगर वो 1 रुपया, सुन पूरे यूपी में बता रहा हूँ, किसी गांव से 1 रुपया ले आओ तो बता दे शहर। अब भाई हमारी फिर भाई आगे समझ में, जैसे अडानी और अंबानी बड़े दे रहे, हम क्या करेंगे।